वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। और आज एक आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेट्स स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एंड आई थिंक मोर स्पेसिफिकली आई से इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आपको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको जानना होगा दो सिस्टम जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो पहला सीखेंगे फीमेल फॉलोड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू मेल्स। हियर आई एम नॉट सेइंग कि उसका जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है, बट येस विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पे हॉर्मोन्स का, और क्योंकि आगे चलकर एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट वहीं पर होने वाली है, तो लेट्स स्टडी फर्स्ट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, आई कैन से बोथ स्ट्रक्चरली ऑल्सो एंड फंक्शनल, दोनों स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और फंक्शन में आई कैन से बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक पूरी साइकिल को। अब क्या क्या है देखते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडा, सिंगल यूट्रस एंड अ वजाइना। हेयर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्स, यूट्रस एंड वजाइना, हम सब एक एक चीज़ को सीखेंगे, उसके बारे में स्पेसिफिक उनके रोल क्या है वो भी समझेंगे। बट द फर्स्ट लाइन इन योर आंसर दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करने को आया तो पहली लाइन यही होनी चाहिए, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्स, सिंगल यूट्रस एंड अ वजाइना। All these structures, all these accessory, all these structures are actually present in the abdominal cavity of a female. Now let's move ahead. Now let's start with this ovary. What the ovary is going to do? Uska function kya hai? Ovary is going to produce ova. Kya produce karegi? Ova. Ova is what? It's a female gamete. तो फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करने वाली है? ओवरी। तो ये फर्स्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरी की कि वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करे। इसके साथ वो प्रोड्यूस करेगी कुछ हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हॉर्मोन्स के स्पेसिफिक रोल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। अब ये जो है ये स्ट्रक्चर ओवरी का, यहाँ पे सारी मतलब जो ओवा मतलब जो फीमेल गैमेट के जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो सब कुछ कहाँ पर होगा? ओवरी में। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओवरी। मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन मतलब कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। मतलब 46 का 23 पर आना, फिर 23 का मेल गैमेट से कंबाइन होके जाइगोट बनाना, फिर एम्ब्रियो तक पहुंचना। ये पूरी जर्नी तो बात की बात है, पर उसके पहले वो जो ओसाइट है, ओसाइट ओआर, ये इनके नाम है किसके? फीमेल गैमेट्स के। डोंट गेट कन्फ्यूज कि अगर मैं ओवा बोलूँ, ओसाइट बोलूँ या मैं फीमेल गैमेट्स बोलूँ, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो उसको जो ओसाइट है या जो फीमेल गैमेट है उसको प्रोडक्शन का काम यहाँ से, एंड यस उसके मैचुरेशन का काम, ये सब कहाँ पर होगा? ओवरी में। सरप्राइजिंगली इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट हेयर कि फीमेल्स आर बॉर्न विद अ सेट ऑफ ओसाइट्स इन देयर ओवरी ओनली। मतलब एक फीमेल फीटस जब बॉर्न होती है, जब वो डेवलपमेंट के स्टेज में रहती है, जब अपनी मम्मी के वूम में ही है, मतलब यूट्रस में ही है, तब ही उस फीमेल फीटस के पास ही
एक पूरा एक कंप्लीट सेट होता है ऊ साइट का। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करोगे, तो वो ऊ साइट रिलीज क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अरेस्ट रहते हैं एक मियोसिस के स्टेज में। डोंट यू थिंक इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप इसको थोड़ा लिंक में देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, गैमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होना बहुत जरूरी है। मियोसिस कंप्लीट होगा, एक हैप्लॉयड एग सेल मिल जाएगा, हैप्लॉयड फीमेल गैमिट मिल जाएगी, ठीक है। पर मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि वो मियोसिस के एक स्टेज में रुक जाएंगे। ये सब का एक्चुअली इलाबोरेट वर्जन, इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन आई विल स्टार्ट विद द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। बट यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि वो जो ओवा है वो फीमेल फीटस से मतलब एक लड़की के पास हमेशा एक हमेशा रहता है, वो वुमन के पास हमेशा रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्यूबरिटी नहीं आएगी वो ओवा मैच्योरेशन की तरफ नहीं जाता। तो हियर इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे आफ्टर प्यूबरिटी टू टिल डेथ, जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन मतलब मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है इन वुमन्स, हम क्या होते हैं वुमन्स, दे आर बॉर्न विद द असेट, और आई कैन से एक कंप्लीट एक बैंक के साथ बॉर्न होते हैं जहाँ पे फीमेल गैमेट्स हमारे पास हैं, बट येस दे आर इन इमेच्योर स्टेज। सो लेट्स कंक्लूड दिस स्लाइड। ओवरी में क्या है, दो काम है, ओवा जो ऑलरेडी है उसको क्या है मैच्योरेशन को लेकर जाना, उसका मतलब मियोसिस करके कंप्लीट करवा के एंड देन मूव अहेड और हॉर्मोन्स रिलीज करना, ये सब कुछ होने वाला है ओवरी में। नाउ अभी ओवरी में फीमेल गैमेट्स बन चुके हैं, मैंने क्या कहा इमैच्योर से मैच्योर की स्टेज आ चुकी है, तो आगे क्या होगा, देयर शुड बी समबडी टू रिसीव, तो यस दैट इज गिविंग द हिंट ऑफ द सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज दिस फनल शेप्ड जो दिख रहा है। अब ये फनल शेप्ड ही है ना, आप सबने फनल देखा है, तो ये फनल शेप्ड ही है बट बहुत स्पेशल है, फिम्ब्रिकेटेड है एंड यस सीलिया प्रेजेंट है। अब आप सोचो सीलिया क्यों होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ओवा है इट इज़ नॉट मोबाइल, तो उसको पुश करना पड़ेगा ना आगे की तरफ, तो यस वो इसलिए वो पुश क्यों होगा, सीलिया विच आर प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट को फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा, एज सून एज दैट मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज्ड, इट विल बी पिक्ड अप बाय द स्ट्रक्चर दैट इज फिलोपियन ट्यूब और आई कैन से ओविडक्ट। क्यों कर लेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रिकेटेड फिंगर्स स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर से उसको कैप्चर करेगा मतलब पिकअप कर लेगा, और सीलिया की हेल्प से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सीलिया, ये सीलिया क्या करेगा, सीलिया के मूवमेंट से क्या होगा, जो ओवा है वो आगे की तरफ क्या होगा बच्चों, पुश होगा। तो दिस इज अबाउट द ओवरी एंड अबाउट द यूट्रस, सॉरी ओविडक्ट, अबाउट द फिलोपियन ट्यूब। सो द ओवरी इज गोइंग टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स और ओवा एंड फीमेल हॉर्मोन्स दैट आर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड इन क्लोज रिलेशन टू द ओवरी ओविडक्ट इज प्रेजेंट, वेयर इट इज हियर, इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर यूजुअली विद फिम्ब्रिकेटेड मार्जिन, फिम्ब्रिकेटेड मार्जिन होने के कारण ही वो एक पिकअप बन पा रहा है किसका, ओवा का। चलो अब आगे बढ़ें, अब ये जो ओवरी है ईच मंथ इज गोइंग टू ओवम इज रिलीज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक साथ, एक मंथ इस साइड से इस ओवरी से आएगा और एक मंथ इस साइड से, ये ऑल थिंग्स आर हार्मोनल कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट फर्स्ट लाइन व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रेजेंटेशन, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरली ऑल्सो एंड फंक्शनली। नाउ तो ये अभी हर मंथ आइदर एक मंथ यहाँ से होगा रिलीज, सेकेंड मंथ यहाँ से, आप आगे बढ़ें थोड़ा,
अब हमारा ओवम जो है इमेच्योर से मैच्योर स्टेज की तरफ पहुंच चुका है और फिलोपियन ट्यूब ने उसको क्या कर लिया है, पिकअप। सो अब क्या होगा, थोड़ा इसको थोड़ा और एक डिप में, एक और एक वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओसाइट एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। अभी ये यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है, एक्चुअली द स्ट्रक्चर इज नॉट गुड। ये वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे एक ओपनिंग है और फिब्रिकेटेड मार्जिन है, तो यहाँ से वो ओवा अंदर की तरफ चला जाएगा। आगे क्या लिखा है, यस, सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट, डेफिनेटली तभी तो वो ऐसे मूवमेंट करेंगे, एंड दीज सीलिया पुश द ओसाइट टूवर्ड्स द यूट्रस। व्हाई यू ऑल शुड आस्क मी कि यूट्रस की तरफ क्यों उसको पुश किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के बेबी का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, यूट्रस में। तो एक्चुअली हमें पहुँचाना कहाँ है ओवा को, यूट्रस की तरफ। तो सीलिया कौन, क्या हेल्प करने वाले, सीलिया इसकी हेल्प करने वाले। नाउ अब बहुत अच्छे एक स्ट्रक्चर पे आएंगे, यूट्रस। यूट्रस इज अ मस्कुलर बैग। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर इन योर एग्जाम अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डोंट जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। ये एक मतलब ये एक सीक्वेंस में लिखना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया यूट्रस, लास्ट पॉइंट लिख दिया ओवरी। ये डजेंट गो, ये सही, एक डजेंट लुक ऑल्सो गुड, एंड अगेन आपको इससे सारे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। आपको स्टार्ट क्या करना है, बहुत सिंपली यूट्रस से स्टार्ट, या सॉरी ओवरी से स्टार्ट करना है, वहाँ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, देन मूव टू दी ओविडक्ट और फिर अब यूट्रस। यूट्रस इज अ मस्कुलर बैग, इट हैज़ अ ड्यूअल फंक्शन। अब ड्यूअल फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट है नरिशमेंट ऑफ द बेबी। अगर मेल गैमेट से उस ओवा का, मैच्योर ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ये जाइगोट को आगे चलकर कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा, यूट्रस में, और यही यूट्रस आगे चल के बेबी के नरिशमेंट में हेल्प करेगा। व्हाई आई हैव सेड ड्यूअल फंक्शन, बिकॉज इन एडिशन टू द नरिशमेंट ऑफ द बेबी, डिलीवरी में भी यूट्रस बहुत हेल्प करने वाला है। अब मैंने इसके बारे में इतना अच्छा बोला कि मस्कुलर बैग है और ड्यूअल फंक्शन है, व्हाई, कुछ तो अच्छा होगा, वो क्या है वो देखो। तीन लेयर है, एंडो पेरीमेट्रियम मतलब सबसे आउट का लेयर, दैट इज अ थिन लेयर। उसके बाद मायोमेट्रियम मतलब मिडल का लेयर, विच इज थिक और थोड़ा मस्कुलर है। ये वही लेयर है जो ड्यूरिंग द डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन इसी में होता है, ये उसी स्ट्रक्चर के कारण। तो दैट्स वाई द फर्स्ट, द सेकेंड ड्यूअल फंक्शन में जो पहला मैंने बोला कि डिलीवरी होगी जो, वो बिकॉज यूट्रस उसमें हेल्प करता है। क्यों हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक ऐसा लेयर दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, थिक लेयर ऑफ मस्कुलर, एक मेम्ब्रेन है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें डिलीवरी के टाइम पे। और लास्ट में है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन, आई कैन से इट्स अ मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बेबी। एंडोमेट्रियम में ही आगे चल के, क्योंकि ये इट्स अ ग्लैंडुलर लेयर जो हॉर्मोन्स भी रिलीज करेगा और क्या करेगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है एंडोमेट्रियम के रूप में माँ से बच्चे को मिलेगा, जहाँ आगे चलकर प्लेसेंटा एक ऐसा एक बैग है जहाँ पे बच्चे का, मम्मी और बच्चे के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग। तो प्लेसेंटा क्या है, एंडोमेट्रियम आगे चल के उसमें तब्दील हो जाता है। तो आई कैन से द एंडोमेट्रियम इज अ मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड। तो नाउ जितना इम्पॉर्टेंट ये था, आई कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रोल देते हैं। ओवा ने क्या किया, इमेच्योर से मैच्योर एग बनाया, ओविडक्ट उसको चुपके से लेकर गया क्योंकि उसके पास सीलिया है, वो धीरे धीरे उसको सरकाते हुए लेकर पहुंचा यूट्रस में। यूट्रस में भाई तीन लेयर हैं, पेरी, मायो एंड एंडो। एंडोमेट्रियम क्या करने वाला है, मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लेसेंटा के रूप में आगे चल के बढ़ेगा, एंड
मायोमेट्रियम क्या करेगा, डिलीवरी के टाइम जो लेबर पेन होता है उसमें, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मायोमेट्रियम. सो दिस इज अबाउट द यूट्रस. व्हाट नेक्स्ट? बिसाइड्स अ पेयर, अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ कमिंग टू द another, if in addition to that which is not given in your textbook, let me just explain you from this slide. ये होती है सर्विक्स. सर्विक्स में क्या है, इट इज़ अ एंड ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस को क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा ये. एंड ये क्या है, एक कनेक्टिव, एक रिंग जैसा है. ये क्या होगा लेबर पेन में, जब वो क्या होगा, डायलेट होगा, मतलब वो उसमें स्ट्रेचिंग आएगी उसी से बच्चे का. अगर इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी तो बच्चे के इसमें डायलेशन, और ये सब हॉर्मोनल कंट्रोल है, ये ऑल थिंग्स आर हॉर्मोनल कंट्रोल. कमिंग टू द लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज़ वजाइना. इट इज़ द रिसेप्टर फॉर द स्पर्म्स एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे है. एंड एट द एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्थ कनाल. सो लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब? नो, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम ओवरी. व्हाई? बिकॉज ओवरी से ही तो सारी ग्राम कथा स्टार्ट होने वाली है ना. तो फीमेल में जो ओवरी है वो क्या करने वाली है, प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हॉर्मोन्स. फीमेल हॉर्मोन्स को जो है हम मेनस्ट्रुअल साइकिल जब देखेंगे तो हम उसके बारे में सीखेंगे. बट अभी अपना दिमाग में यार बात रख लो, प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हॉर्मोन्स. उसके बाद कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, फिलोपियन ट्यूब. इट्स अ पाथवे फॉर एग. व्हाई? बिकॉज सीलिया इज प्रेजेंट. और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा. एक्चुअली ओविडक्ट में ही स्पर्म आते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है. मैंने क्या बोला था, एक सेल का गोला, फिर माइटोसिस होना. तो ये जब माइटोसिस होके वो जाइगोट एक स्टेज में पहुंचता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट. दैट फॉर्म इज एक्चुअली इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस. ये सब फर्टिलाइजेशन में जब स्टार्ट करेंगे सब फिर से आने वाला है. तो नाउ इट इज़ अ पाथवे फॉर एग. फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर. यूट्रस, मस्कुलर बैक, तीन लेयर, मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियम, दैट इज प्लेसेंटा. And at the end cervix, and last में है vagina. So this is all about female reproductive system. Thank you.